विधायक एवं पूर्व मंत्री कर्नल धनीराम शौंडिल ने सोलन शहर के वार्ड नंबर 7 का दौरा किया। वार्ड वासियों से मिलकर उनकी समस्याओं को सुना और उन्हें हल करने का आश्वासन भी दिया। वहीं उनके द्वारा 2 लाख रुपए से नालियों को ढकने के कार्य को आरंभ किया गया। उन्होंने वार्ड की सीवरेज व्यवस्था का भी जायजा लिया। उन्होंने वार्ड नंबर 7 के निवासियों को विश्वास दिलवाया कि भविष्य में उनकी कोई भी समस्या होगी वह प्राथमिकता के आधार पर जल्द हल की जाएगी और उन्हें किसी भी तरह की असुविधा नहीं होने देंगे। बाढ़ के लोगों ने उनके समक्ष कुछ समस्याएं भी रखी, जिन पर उन्होंने त्वरित कार्यवाही करते हुए नगर परिषद अधिकारियों से बात की और उन्हें आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। कर्नल धनीराम शौंडिल ने लोगों को विश्वास दिलवाया कि जिस तरह पहले भी वार्ड नंबर 7 में अनेक समस्याओं के लिए उन्होंने राशि विधायक निधि से पहले भी उपलब्ध करवाई है और भविष्य में भी उनकी समस्याओं के समाधान के लिए इसी तरह से राशि उपलब्ध करवाई जाती रहेगी। उन्होंने कहा कि जो राशि बाढ़ को उपलब्ध करवाई गई थी उसका उपयोग बहुत अच्छे तरीके से किया गया है। इस दौरान उन्होंने जो कुछ पहले डिमांड रखी थी, कुछ एक महीने पहले जो हमारे यहाँ के सभी जितने हमारे इस क्षेत्र के रहने वाले हैं, इस वार्ड के रहने वाले लोगों ने कुछ समस्याएं रखी थी और इनका एक यहाँ पे जो नाला ढकने का था ये बहुत ही ज़रूरी काम था और ये अच्छा काम किया है। जो मैंने देखा है इनका जो शायद 2-2.5 लाख कितने हुए घना है, टोटल 5 लाख और लगभग सारी धनराशि 5 लाख की थी। इन्होंने जो भी काम यहाँ किए हैं नाली के ढकने से लेकर और नालियों के ढकने के वो बहुत ही अच्छे काम हुए हैं। मैं समझता हूँ ऐसा काम करेंगे तो अच्छा रहेगा। हाँ, यहाँ पर कोई समस्या और है, जो इनके पानी आता है लगातार पौड़ियों से सीधा ही रास्ते से आकर और बच्चों के स्कूल जाने में दिक्कत होती है, छोटो ग्राउंड का आती है। हाँ, ये ऊपर से सारे क्षेत्र तक आता है, छोटो ग्राउंड से लेके यहाँ तक अब बरसात का पानी आता है। उसको हम चाहते हैं कि कुछ चेंबर बने। मैं ये साहब से इसके बारे में कहूँगा और चेंबर बनने से धीरे धीरे रेगुलेट हो जाएगा, नीचे से अंडरग्राउंड गाड़ी लेके वो नीचे नीचे ही चला जाएगा, ऐसा हम करना चाहते हैं। और भी जो क्षेत्र की इसके छोटी छोटी समस्याएँ और आगे के जो कुछ इलाके कुछ नहीं कवर हुए हैं या जो काम बाकी रहते हैं उनकी तरफ भी पूरा ध्यान दिया जाएगा और जैसे ही उपलब्धता होती है हमारे जिस प्रकार से फंड अवेलेबिलिटी होती है उस काम को भी हम प्रायोरिटी करेंगे।